बस्तर में जब भी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो या उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार करे या कोई गलत तरीके से इनकाउंटर करे या ऐसे कोई भी मामले हो, तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए कुछ नाम काफ़ी प्रचलित हैं, जिसमें सोनी सोरी, बेला भाटिया और ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसमें एक ख़ास बात थी तो मुझे लगा इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आज सुबह से मेरे दिमाग में बार बार कौंध रहा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं अभी दंतेवाड़ा में हूं, और आज सुबह जब मैं बीजापुर में था तो बीजापुर के सारकेगुड़ा में हज़ारों संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे, क्योंकि 28 और 29 जून की दरमियानी रात सारकेगुड़ा में सन 2012 में कुछ ग्रामीण बैठकर बीच पंडुम कर रहे थे, और जो उनका एक त्यौहार है उसको लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान जो फोर्स है जो कि सर्चिंग पर निकली थी, उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। उसमें 17 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जिसमें 7 नाबालिग भी थे। इस मामले को 9 वर्ष हो गए हैं और आज उसकी 9वीं वर्षीय ग्रामीण जो है मना रहे थे। इस दौरान तमाम सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर थे, बेला भाटिया भी थी, नंदिनी सुंदर थी, छत्तीसगढ़ बचाओ मंच के आलोक शुक्ला थे, CPI से संजय पराते थे, और सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रियंका शुक्ला थी, और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी थे। नहीं था तो एक चेहरा सोनी सोरी का। मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि सोनी सोरी बस्तर के किसी भी इलाके में जब भी ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार होता है या लगता है कि ग्रामीणों के साथ गलत हो रहा है तो वहाँ पर सोनी सोरी मौजूद होती हैं, लेकिन आज इतने बड़े कार्यक्रम में सोनी सोरी मौजूद नहीं थी, जबकि मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था मुझे कि वो आज के दिन सारकेगुड़ा में मुझे मिलेंगी। तो सोनी सोरी मुझे अभी दंतेवाड़ा में मिली हैं, तो इस सवाल को पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या सोनी सोरी अब आदिवासियों के साथ नहीं है क्या, या उनके दुख की लड़ाई में या उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार की लड़ाई में क्या वो उनका साथ नहीं देंगी, आखिर ऐसे क्या वजह थी कि सोनी सोरी आज सारकेगुड़ा में नहीं थी। सोनी सोरी जी, आज सारकेगुड़ा में कई लोगों की नज़रें आपको तलाश रही थी, कई ग्रामीणों के मुंह से भी हमने सुना कि शायद सोनी दीदी आएंगी, मैं भी आपको ढूंढ रहा था, आज आप वहाँ नहीं थी, इसके पीछे कोई कारण है क्या? देखिए, मतलब ये छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलंगेर की जब से मतलब इतने लंबे समय तक का वहाँ आंदोलन चला, उस आंदोलन के शुरुआत में तो मैं नहीं थी, उसके बाद फिर से मैं उस आंदोलन में मैं जब शामिल होने के बाद उसमें कोई मदस्था वाला बात नहीं था। उसमें यह था कि कोरोना के चलते वो सारे लोगों ने मिला, फिर बातचीत किया, उसको सभा के भीड़ को हटाया, आंदोलन को ख़त्म नहीं किया। उस पर भी मुझे कई तरह की बातों को बोलने वाले कई तरह की बातें बोला गया कि सोनी इस आंदोलन को ऐसा किया है, ऐसा कुछ है। मैं कभी भी आंदोलन को कुचलने का काम करती, क्योंकि मुझे पता है इन आदिवासी का, हम आदिवासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे आंदोलन की तरह इस तरह मजबूत करके आंदोलन को लड़ना। ये सारी चीज़ें होता रहा और कई दिनों से आप लोग सबको पता है, कई लोग मतलब आर्टिकल लिखे जा रहे थे, कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लड़ता है उसके लिए ऐसा होते रहता है। उसमें कई पत्रकार भाई भी ऐसे थे कि मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ उन्होंने कमेंटमेंट किया, सब चीज़ें किया, लेकिन इसके बाद मेरा बहुत एक तमन्ना था कि मैं सरकेगुड़ा दो साल से लगातार थी और हम वहाँ स्मारक की बातें करते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे कि हमारे 17 आदिवासियों को कैसे उन्होंने बेरहमी से गोली चला के बून दिया, उत्तम बून के बोले नक्सलवाद है, जब आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो आदिवासी निर्दोष आदिवासी है, ये करके हमने बहुत ही होता, मेरा सच है आपका सवाल कि मुझे जाना था और ऐसा नहीं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें मुझे खटक गई, वो इस बात की खटकी, इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सभी साथियों से नाराजगी हूँ, लेकिन रही सवाल नंदिनी जी की, नंदिनी सुंदर जी का मतलब कहते हैं ना कि वो सलवा जुड़ुम के लिए बहुत कुछ लड़ी है, लेकिन सलवा जुड़ुम के लिए असली फाइटर तो मनीष कुंजाम के साथ बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जिसने उन लोग अनगिनत लोग मरे भी गए, शहीद भी हुए, कुर्बानियां भी दिए, और बहुत ही भयानक योग एक युद्ध भूमि था जो सलवा जुड़ुम है, जिसने मनीष कुंजाम ने एक ऐलान करके इतनी बड़ी आंदोलन खड़ा करके कहीं ना कहीं उस लड़ाई को उसने लड़ा और आगे पहुँचाएगा। नंदिनी सुंदर ने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, उस केस में एक मदद है, जैसे आज हमको भी कोई ना कोई केस के लिए प्रशांत भूषण जैसे कई लोग मदद करते हैं और उस तरह से लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, HRLN हम लोग की मदद कर देती थोड़ा सा मतलब कानून सहायता से, लेकिन अब नंदिनी सुंदर का इस तरह से उनका मतलब आए बस्तर अच्छी है और कोई को आना चाहिए बस्तर में, स्वागत है सभी बस्तर का वसी का, लेकिन इतना स्पष्ट मैं कहती हूँ नंदिनी सुंदर जो है वो मुझे पसंद नहीं करती है,
उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो कई बार उनके जुबानी से हमसे कहा भी है कि आप बस्तर के लिए लड़ने के लिए अब उभर के आई हो, आप एक हीरोइन हो, तो ये चीज़ें मुझे हमेशा कटकता है। तो नंदिनी सुंदर आई है और उस जगह मंच में रहेगी और रहेगी, वह ऐसा करेगी, वो उस चीज़ों को कटक रहा था, तो मैं इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि मेरा भी आत्मसम्मान का सवाल है। अगर मैं अपने आदिवासी और बस्तर के लिए लड़ती हूँ तो मेरा भी मान सम्मान का सवाल है, मुझे भी दर्द होता है, मैं एक इंसान हूँ। नंद उसके आगे क्या क्या उन्होंने मुझसे कहा, ये बातों को मैं वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन बहुत कुछ उनको याद होगा। आपके थ्रू अगर इस बात को आप दिखाते हो या फिर लिखते हो तो आप इसके थ्रू वो ज़रूर आप सवाल पूछना पूछ सकते हो, उसको याद है या नहीं है, लेकिन जेल से आने के बाद नंदिनी सुंदर ने मुझे बहुत बेरहमी की, बदतमीजी की तरह मुझे गाली गलौज दी, सब कुछ दी, और आज वही नंदिनी सुंदर बस्तर में आके आदिवासी की तेसी बनी। अच्छी बात है, उसको सोनी सोड़ी पसंद नहीं है, सोनी सोड़ी पर उसको गिरना है, लेकिन बस्तर की जनता और बस्तर से गिरना नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल है कि मैं भी तो एक आदिवासी हूँ, जब आदिवासी के लिए इतना दर्द होता है, उसके लिए इतना फील्ड करके घूम के इतनी बड़ी बुक लिखा जाता है, उसकी बुक को पूरा कॉलेजों में पढ़ा जाता है, उनके यूनिवर्सिटी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उसका बुक पढ़ के ये बताया जाता है कि नंदिनी सुंदर एक बस्तर की इस तरह फाइटर है, तो क्या उसके लिए इतना दर्द नहीं होता? ये उस महिला के लिए जिस महिला ने जब कितनी यातनाएं सहा है, कितने शर्मसार यातनाओं को संघर्ष की, मतलब मैंने सहा है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, सरकार ने किस तरह से यातना दे के मेरे को कुचल के मेरे को जेल में डाल, उस औरत के लिए कोई दर्द नहीं है क्या नंदिनी सुंदर के लिए? ये बातों को अगर ज़्यादा कुछ और बोलो तो उनको यही लगेगा कि सोनी सोड़ी को वो क्या गया है, सोनी सोड़ी आज इतने लंबे समय बाद ये सवाल क्यों, इसके पीछे बहुत कुछ उन्होंने बोला, उस शब्द का मैं उल्लेख नहीं करूँगी, लेकिन नंदिनी सुंदर मुझे इस तरह से करके मुझे बहुत बेइज्जत और मुझे बहुत दिल दुखाया और तकलीफ, तो कहीं ना कहीं वो आई है, वो तो मेरे को ये लगा कि मेरे को पसंद नहीं करती है या मेरे को से उसकी नाराज़गी है, मेरे को उस बस्तर के आदिवासी में सम्मिलित नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ तो फिर ये हो जाए, तो इसलिए सोच के मैंने गए मैं। हाँ, मेरे को गांव के सारे लोग ने बुलाया, आपके बिना कैसे हो सकता, आप यहाँ की दीदी हो, आप हमारे साथ हो, हम सब एक आदिवासी, हमको एक हो के रहना है, नहीं दीदी आप चले आओ, आप क्यों ऐसे कर रही, ये बातें उन्होंने कहा, तब मैं यही बोली देखो वो लोग जो लोग वहाँ पहुँचे वो भी बस्तर की लड़ाई करने के लिए आए हैं, आप लोग इतिहासी के लिए आए हैं, आप लोगों का हक अधिकार को दिलाने आए हैं, आपके साथ खड़े होने आए, उनका स्वागत करो, आप लोग अपनी इस मतलब आज का जो बरसी है उसको बेहतरीन उससे याद करके उसको बर्षी बनाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। मैं क्यों नहीं आऊँगी, काय के लिए नहीं, ये बात उनको स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो तकलीफ मैंने नंदिनी सुंदर मेरे को झटका दी और तकलीफ दी और मेरे को इतना दर्द पहुँचाई जो आज भी नहीं बुला सकी हूँ। मेरी दो चीज़ें हैं कि जो सरकार ने जो इतना शर्मसार करके मेरे को जो करंट शॉट जैसा हर चीज़ करके मुझे कितना यतना दिया, तड़पाया है, जेल के अंदर भी तड़पाया, वैसे ही जेल से निकलने के बाद एक नंदिनी सुंदर भी वो दर्द दिया है, और वो आई है तो बेहतरीन अपना आए करे जाए, ये सोच के मैं नहीं गई। तो सिर्फ नंदिनी सुंदर से ही तकलीफ थी या और भी सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनसे तो कोई तकलीफ? देखो ये नंदिनी सुंदर का तो बात बोले जिसने उसने मुझे तकलीफ पहुंचाया जो मैं कभी नहीं भुला पाई, लेकिन बाकी और साथियों से भी मैं ये कहती हूँ, जब आए थे तो अब सरकेगुड़ा और क्या बोला हमारे सिलंगेर की लड़ाई तो छुट्टी नहीं है ना, वो तो अब जारी है, फिर वापस क्यों गए? अभी लंबे समय उन आंदोलनकारियों के साथ बैठना था, तब तो मैं समझूंगी कि जितने आए हैं वो सब हमारे बस्तर की इतिहासी और उन आंदोलनकारी के साथ कंधे से कंधे साथ देने के लिए आए हैं, और ये करके मैं सोचूं और उनके सामने मैं खुद हाथ जोड़ के उनके साथ झुक के मैं भी बैठ सकती हूं, लेकिन मेरा सवाल अभी मैं ये देखने को मिलेगा कि वो लोग उनके साथ बैठे एक दिन के लिए, दो दिन के लिए आके चले जाना, क्या बस्तर की लड़ाई खत्म हो गई? यहाँ तो ये देख, यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं ये लोग हैं, आज फिर घटना हुई, तो इस तरह बस्तर छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना, बस्तर को छोड़ के जाने से लड़ाई खत्म नहीं होगी, किताब में लिखने से लड़ाई खत्म नहीं होगी, इनके आंदोलन के साथ और उनके दुखियों के साथ सबके साथ रहना, तो आज वो इतना बड़ा मतलब वहाँ पर बरसी मनाने के बाद तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलंगेर में भी तीन तीन हमारे आदिवासी भाइयों की हत्या हुई है, एक बहन की हत्या हुआ है, तो उनके साथ तब तक वहाँ पर बैठे जब तक उनको ना यार इंसाफ ना दिलाएं, वो तो बैठे हैं महीनों भर से, तो उसमें तो चाहे जितने साथी बेला भाटिया जी हो, चाहे नंदिनी सुंदर आलोक जी हो, जो जितने लोग आए थे उन सबको वापस वहाँ बैठना चाहिए, फिर क्यों नहीं बैठे, बैठेंगे ना,
मैं तो यही आशा कर रही हूँ उनके साथ वहाँ बैठेंगे तब मैं भी सोचूंगी कि हाँ बस्तर के लिए एक इतेसी लोग और बस्तर को बचाने के लिए और भी हमारे साथी आए हैं और उस जगह उनके साथ बैठे हैं, ये सोच के हमको बहुत अच्छा लगे। अगर वो दो दिन के लिए आए तो मेहमान बन के आने की ज़रूरत नहीं है बस्तर में, अगर आना है तो कदम से कंधे से कंधे मिलकर इनके साथ खड़े होकर लड़ने की तैयारी में आए, यहाँ मेहमान की ज़रूरत है, क्योंकि बस्तर खून बस्तर पूरे लतपत खूनों से हो चुका है, तो यहाँ मेहमानगिरी करने के लिए अब बस्तर इंतज़ार नहीं करेगी, लड़ने का इंतज़ार करती है, लड़ने वाले को गले लगा के अपने साथ बैठाती है, ना कि यहाँ मेहमानगिरी करने वाले को गले कभी नहीं लगाएगी। तो बेला भाटिया तो यहीं रहती हैं ना, वो तो शायद जगदलपुर में ही रहती हैं और बस्तर में घूमती रहती हैं, तो वो भी मेहमान है क्या? देखिए अगर बेला भाटिया जी ने अगर आए हैं तो उसको वहाँ डटे रहना चाहिए, लड़े वहाँ रहना चाहिए, वो एक वकील हैं और वकील की बहुत ज़रूरत है, अभी तो वकील की वहाँ तक भी ज़रूरत है, तो बेला भाटिया वहाँ पर भी रहे डटे रहे, अगर वो जो मतलब जैसे मैं हूँ अगर मैं इनको छोड़ के मैं घर जाके सोऊंगी तो उसका उस लड़ाई का क्या, अगर ये लोग इतनी बड़ी तकलीफ़ के साथ आए हैं तो मैं क्यों बैठी हूँ, जैसे ये लोग खाना नहीं खाए मैं भी नहीं खाए, क्योंकि इनकी पेट भूखा है तो मेरा भी पेट भूखा रहना चाहिए, अगर मैं अभी घर जाऊँगी तो मैं अपना बिस्तर पकड़ के सो जाऊँगा और ये लोग नीचे सोएं तो ये नहीं होगा ना, तो इसी तरह बेला भाटिया जी को भी सामना करना पड़े, इसी तरह नंदिनी सुंदर को सामना करना, इसी तरह जितने साथी जो आए थे शालिनी गेरा हो चाहे कमल शुक्ला हो चाहे कमल आलोक मतलब वो हो चाहे सभी मतलब छत्तीसगढ़ बचाओ जैसा संजय परात सब लोग आए हैं तो उनको आना चाहिए यहाँ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है बस्तर। अच्छा क्या लगता है कि आदिवासियों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर अपना क्रेडिट लेने के लिए कई लोग चेहरा दिखाते हैं, मतलब ऐसा भी है क्या कि क्रेडिट मिल जाए कि इसमें नाम मिल जाए हमको, ऐसा है क्या? देखिए इसको क्रेडिट और नाम की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह करके जाएंगे तो मेरी शक वही रहेगा कि क्रेडिट और नाम, अगर इनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे तो क्रेडिट और नाम के लिए नहीं है बल्कि सचमुच बस्तर को बचाने के लिए बस्तर के आदिवासी को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं, ये मैं समझूंगी, लेकिन मेरा कहना वही है इनके साथ लंबे समय तक रहे और उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़े, तो मेरा एक उदाहरण है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज सोनी सोड़ी आके क्यों बैठी, मैं भी तो जा सकती हूँ ना, इनके साथ यहाँ क्यों सोऊंगी, इनके साथ ये भूखी है तो मैं क्यों भूखी हूँ, आज मैं क्यों खाना नहीं खा रही भाई, यही चीज़ होना है ना। तो ये सोनी सोनी थी जिन पर आज सुबह से ये सवाल था कि आखिर क्यों वो सारकेगुड़ा जैसे इतने बड़े आम सभा में वो नहीं पहुंची और गंभीर आरोप लगाए उन्होंने नंदिनी सुंदर पर, नंदिनी सुंदर भी बस्तर पे बहुत ज़्यादा आती रही हैं और उन्होंने किताब भी लिखी है इस पर। सोनी सोनी का कहना है साफ कि जिस तरह से अगर आप आदिवासियों के साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप दो घंटे के लिए बस्तर आएँ और मेहमानों की तरह वापस चले जाएं, आपको इनके साथ उस वक्त तक रहना होगा जब तक इन्हें न्याय ना मिल जाए। अभी सोनी सोरी भी दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में बैठी हुई हैं, आप देखें मेरे पीछे एक बार वो तस्वीर को भी कि यहाँ पे ये नीलावाया की महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं यहाँ पे। ये दरअसल इनके गाँव में एक मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस के अनुसार एक माओवादी को मार गिराया गया था, ग्रामीणों का कहना है कि वो माओवादी था लेकिन उसने अब काम करना छोड़ दिया था और घर पे खेती किसानी करता था, घर पे नहा रहा था, उसी दौरान पुलिस ने उसे निहत्था पकड़ा और उसे गोली मार दी, उस दौरान कुछ औरतें भी थी जिन्होंने बचाने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर ये ग्रामीण महिलाएं और पुरुष नीलावाया से यहाँ दंतेवाड़ा में आकर डटे हैं, इनका कहना है कि ये तब तक लाश लेकर नहीं जाएंगे जब तक यहाँ के SP आकर इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते और अपनी गलती नहीं मान लेते। गाँव के सरपंच भी यहाँ पर हैं और जो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने की बात जिस तरीके की कह रही हैं सोनी सोरी, तो सोनी सोरी भी यहाँ पर उसी तरह से डटी, इनका कहना है कि जब तक ये ग्रामीण यहाँ पे हैं तब तक वो भी अपने घर नहीं जाएंगी, ना तो वो खाना खाएंगी और ना ही कोई और सुख सुविधा लेंगी, या मतलब जैसे घर जाकर आराम से कर रहे हैं फिर दो घंटे चेहरे दिखाकर फिर वापस लौट जाएं, तो इस तरह से नहीं, इन ग्रामीणों के साथ यहीं रात भर रहेंगी। दूध मुँह बच्चे भी हैं, आप देखें एक छोटा सा दूध मुँह बच्चा खुले आसमान के तले ये सोया हुआ है, ये भी अपनी माँ के साथ है और इसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों वो किस बात का दंश झेल रहा है, शायद बस्तर में पैदा होना ही उसके लिए पाप हो गया है। खैर इस पे हमने तो बातचीत की है, मुद्दा यही था कि सारकेगुड़ा में आज क्यों नहीं पहुँची सोनी सोरी, सोनी सोरी से आपने बातचीत की, बस्तर में आदिवासियों की लड़ाई है, लड़ाई के लिए कई लोग अपने चेहरे सामने लेकर आते हैं कि हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि आदिवासियों की लड़ाई क्या वाकई में लड़ी जा रही है या जिस तरह से सोनी सोरी ने कहा कि कहीं ये वाकई में क्रेडिट की लड़ाई तो नहीं है,
इस तरह के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत अच्छी लगे आपको कि चर्चा होनी चाहिए तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।